हाय दोस्तों, हरर गंगे हरर महादेव। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम आपको हरिद्वार गंगा धाम की संपूर्ण जगहों की दृश्य दिखाएंगे, पूरी जानकारी देंगे कि आप वहां पे कैसे पहुंचे, क्योंकि काफी सारे श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं और गंगा जी की आरती के धन करके वापस चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी का अभाव होता है कि यहाँ पे और भी जगह है जहाँ पे लोगों की भीड़ काफी ज्यादा होती है और वहाँ पे मान्यता भी काफी ज्यादा है। तो आज हम आपको कुछ ऐसी जगहों लेके जाएंगे जैसे कि 10 से 12 जगह जो कि आपको जाना जरूर चाहिए हरिद्वार यात्रा के दौरान। चलते हैं, पवित्र धाम हरिद्वार की संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करते हैं। तो हरिद्वार आप कैसे पहुंची ये हम आपको पहले बताते हैं। हरिद्वार आने के प्रमुख रूप से 3 मार्ग है, अगर और सस्ते और अच्छे मार्ग की बात क्या है तो आप रेलवे मार्ग से आ सकते हैं। ऐसे आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो हरिद्वार में फ्लाइट की सुविधा नहीं है। हरिद्वार से 48 किलोमीटर दूर देहरादून में जौलीग्रांट एयरपोर्ट है, वहाँ पे आपको फ्लाइट की सुविधा मिल जाएगा। ऐसे तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं या फिर आप रोडवेज यानी बस से भी आ सकते हैं। ऐसे हरिद्वार ट्रेन और बस की सेवा सारे जगहों से जुड़ा हुआ है हरिद्वार का। तो चलते हैं, आज आप हरिद्वार जब पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आपके मन में यही आता है कि आप कहाँ पे रुके। तो आप अगर हर की पैड़ी यानी केवल कोई काम से यानी अस्थि विसर्जन मुंडन की विधि से आ रहे हैं तो आपको हर की पैड़ी के पास ही रुकना चाहिए। रुकने के लिए आपको काफ़ी सारे होटल धर्मशाला रूम मिल जाएंगे। और अगर आप घूमने के पर्पज से आ रहे हैं तो भी आपको हर की पैड़ी के पास ही रुकना चाहिए, क्योंकि आप घूमने के नाम से आ रहे हैं तो आपको मनसा देवी, चंडी देवी यहाँ के प्रमुख माताएँ हैं जो कि आपको दर्शन जरूर करनी चाहिए। आप चलते हैं, आपको पूरी मंदिरों का नाम बताएंगे, आप दर्शन भी कराएंगे आपको और पूरी जानकारी भी देंगे। तो सबसे पहले आप हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार में रेलवे स्टेशन पे आप उतरेंगे तो आपको रूम के लिए सबसे पहले आपको सर्च करना पड़ेगा। तो रूम के लिए आपको हर की पैड़ी के पास ही स्टे करें। स्टार्टिंग की प्राइस से अगर हम कहें तो 400-500 में रूम का मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप सीजन में आ रहे हैं जैसे कि कोई बड़ा स्नान है और कोई वीकेंड, जैसे कि अभी समर का जो सीजन आ रहा है, समर के सीजन में भीड़ होता है काफ़ी ज़्यादा, और जैसे कि महाशिवरात्रि में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है, यहाँ पे बड़े बड़े स्नान चलते हैं उसमें एक भीड़ होता है। तो आपको हर की पैड़ी के पास जो रूम की प्राइस है वो थोड़ा महंगा मिलेगा। अगर आप नॉर्मल सीजन में आ रहे हैं तो आपको 400-500 में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे तो आपको रूम के लिए हरिद्वार में कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब भी आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको रूम ही रूम देखने को मिलेंगे और आप हर की पैड़ी तक आपको रूम ही आपको दिखते हुए नजर आएंगे। यहाँ से आपको स्टे किसी भी जगह आप कर सकते हैं, ऐसे तो हम कहेंगे हर की पैड़ी के पास स्टे करें, क्योंकि गंगा जी में आप डुबकी लगाएंगे। जहाँ से भी आते हैं गंगा जी में डुबकी लगाइए, आशीर्वाद लीजिए, और अपने पितरों के नाम से भी आप डुबकी लगाइए, आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद आप आराम से मनसा देवी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। अब हम आपको बता दें, मनसा देवी के दर्शन आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो आप करेंगे पैदल मार्ग से, दूसरा आप कर सकते हैं रोपे के मार्ग से। दोनों ही मार्ग काफ़ी अच्छा है। अगर आपके साथ बुजुर्ग है तो हम आपको कहेंगे रोपे का मार्ग आपके लिए सही रहेगा। रोपे से आप 130 रुपये का किराया करके आप आराम से आ और जा सकते हैं। पैदल मार्ग की जो चढ़ाई है वो है लगभग 2 किलोमीटर का, आप आराम से उसकी भी चढ़ाई कर सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बस थोड़ी सी टप चढ़ाई स्टार्टिंग का ही होता है, उसके बाद आपको आराम से सीढ़ी मिल जाएगा, आप आराम से चढ़ सकते हैं। मनसा देवी के दर्शन करने के बाद आपको जाना होगा चंडी देवी के दर्शन करने के लिए। आप अगर रोपे का टिकट ले रहे हैं तो आपको पूछा जाएगा कि आप चंडी देवी के भी दर्शन करना चाह रहे हैं क्या, और आप ट्रांसपोर्ट का भी पैकेज लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिएगा, सारे अच्छा ऑप्शन ही ये। आपको टिबल फोर 444 रुपये में मनसा देवी, चंडी देवी और जो ट्रांसपोर्ट का है बस की सेवा आपको मिल जाएगा, आप आराम से आ सकते हैं। प्रति व्यक्ति आपको लगने वाला है 444 रुपया। ऐसे आप बाहर का भी ट्रांसपोर्ट लेंगे तो आपको उतना ही लग जाएगा, तो आप वहां का ले लीजिएगा, आपको आसानी होगा। अगर आप अपने से ट्रांसपोर्ट लेके जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप ट्रांसपोर्ट लेके जा सकते हैं। ऐसे मनसा देवी से चंडी देवी का डिस्टेंस है लगभग 6-7 किलोमीटर के बीच, तो आप आराम से जा सकते हैं। मनसा देवी के दर्शन करने के बाद सेम प्रक्रिया आपको चंडी देवी के मंदिर पे भी मिलेगा, वहाँ पे भी आपको 2 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई और रोपे की चढ़ाई आपको देखने को मिलेगी। तो आप आराम से रोपे से भी जा सकते हैं और मनसा देवी के दर्शन आप पैदल भी कर सकते हैं। ऐसे मनसा देवी की जो चढ़ाई है थोड़ा से कम है और चंडी देवी की चढ़ाई थोड़ा से आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। ऐसे तो आप
जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन से महीने में सबसे ज़्यादा भीड़ होता है। तो आप नवरात्रि के सीजन में आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तो यहाँ पे आपको करीबन 2 घंटे का टाइम लेके जाना पड़ेगा एक मंदिर में, यानी दोनों मंदिर का आप दर्शन करते हैं तो 4 से 5 घंटे का टाइम आपको लगेगा। अगर आप केवल मनसा देवी के दर्शन करना चाह रहे हैं तो आपको 40-45 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि ये हर की पैड़ी के पास है। अगर आप अगर केवल सिंगल मंदिर चंडी देवी के दर्शन करना चाह रहे हैं तो आप करीबन 1.5 घंटे का टाइम मान लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी दूर है, यानी 6 किलोमीटर की दूरी पे है हर की पैड़ी से। तो आपको आने जाने का समय, ऊपर दर्शन का समय सारा जोड़ के अगर हम बात करें तो 1 से 1.5 घंटे आपको लगने वाला है। आप अगर सिंगल सिंगल ऐसे बुकिंग करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा भी लग जाएगा। अगर आप ग्रुप में हैं या फिर सिंगल है तो आप एक टेम्पू कर लीजिएगा, विक्रम टेम्पू, जो आपको 500 में पूरा हरिद्वार की भ्रमण कराएगा। आप उन्हें एक बताइएगा कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। ऐसे हम मनसा देवी की यात्रा आप करने के बाद आप एक ऑटो बुक कर लीजिएगा जो कि आपको चंडी देवी की दर्शन कराएगा, और फिर आप कंखल जाएंगे। कंखल आंगन भगवान शिव का ससुराल, जहाँ पे शिवरात्रि या फिर महाशिवरात्रि में आपको भीड़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। कांवड़ यात्री यहाँ पे आते हैं, और कहा जाता है कि सावन के महीने में यहाँ पे भगवान शिव स्वयं विराजमान होते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पे गंगा जी में डुबकी लगाने से कहा जाता है पुनः जन्म के सारे पाप धुल जाते हैं, और यहाँ पे आप जब भी आए तो आशीर्वाद जरूर लें। और कंखल में दर्शन करने के बाद आप सीधे आ जाएंगे शांति कुंज में आप दर्शन करेंगे, और शांति कुंज में आप 2 दिन का रहना खाना आपको फ्री मिलता है, शांत माहौल मिलेगा। आप चाहे तो वहाँ पे 2 दिन फ्री स्टे कर सकते हैं। शांति कुंज गायत्री परिवार के नाम से जाना जाता है, ये गायत्री परिवार का मुख्यालय है। इसके बाद आप आ जाएंगे भीमगोड़ा में, भीमगोड़ा के दर्शन आप करेंगे। भीमगोड़ा के दर्शन जहाँ पे भीम ने अपने घुटने मार के जल निकाले थे, और 5 पांडवों की जो स्वर्ग जो यात्रा है कहा जाता है यहाँ से ही वो होके गए थे, तो यहाँ पे जरूर जाए, काफ़ी अलग महत्व है। सेपरेट वीडियो सारे जगह का हमने बना रखा है, और आप चाहे तो शीर्ष महल का भी आप दर्शन कर सकते हैं, जहाँ कांसे कांच का पूरा आपको महल लिखेगा और देवी देवताओं के आपको दर्शन होगा। इसके बाद आप जाएंगे सीधे सप्तऋषि सरोवर, यहाँ पे आपको काफ़ी टाइम लगेगा। आप चाहे तो यहाँ पे 5 घंटे में भी घूम सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे पूरे दिन लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर है। जैसे ही आपकी एंट्री होगी तो आपको गुफा मिलेगा जहाँ पे आप वैष्णो देवी के दर्शन कर पाएंगे हरिद्वार में, फिर राम मंदिर, हनुमान मंदिर, फिर भारत माता मंदिर आके आपको दर्शन होंगे, जो कि 7 मंजिला एक भवन है। हर एक फ्लोर में अलग अलग आपको देवी देवता के दर्शन होंगे। हमारी स्वतंत्र सेनानी, हमारे जो माताएं जी है, जो कि सातवें मंजिले में आपको भगवान शिव के दर्शन होंगे, फिर नीचे सबसे नीचे भारत माता के आपको दर्शन करने को मिलने वाले हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं अद्भुत टेम्पल, यानी यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर भारत माता से आपको आगे और जाना पड़ेगा, तो आप आराम से अद्भुत मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। अद्भुत मंदिर में आपको क्या दर्शन होंगे ये भी आपको बताते हैं। अगर आप रत्नमाला में विश्वास रखते हैं, आप रत्नमाला के दृश्य देखना चाहते हैं, अद्भुत दृश्य जो कि आपको कहीं और दृश्य बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे, ओरिजिनल आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। ज्वालामुखी की जो कणों से जो निर्मित होता है रत्न, वो आपको देखने को मिलेंगे। जमीन के अंदर से जो रत्न मिलते हैं, समुद्र के जल से जो रत्न मिलते हैं, ये सारे रत्न होते हैं, काफ़ी सारे रत्न होते हैं जो कि आपको वहाँ जाने के बाद ही मिलेंगे। और हरिद्वार की यात्रा की इस वीडियो पे आपको हम आपको बता दें कि हमने अभी आपको कितनी जगह का जानकारी दिया है, क्योंकि ऐसे में आप वीडियो देखते रहेंगे आपको समझ में आएगा। पहले तो आप हर की पैड़ी आएंगे, हर की पैड़ी में गंगा जी का डुबकी आपको लगाना होगा, आशीर्वाद लेना होगा, फिर आप निकल जाएंगे मनसा देवी के दर्शन करने के लिए, फिर आप जाएंगे चंडी देवी, फिर कंखल, फिर आप जाएंगे भीमगोड़ा, भीमगोड़ा में आप भीम जी के दर्शन करेंगे, और वहाँ पर पंचमुखी शिवलिंग है जहाँ पे आपको दर्शन जरूर करने चाहिए। उसके बाद शीर्ष महल जाएंगे, सप्तऋषि सरोवर में आपको 4 मंदिर के दर्शन आपको करने हैं, और शांति कुंज आप जाएंगे। इस सारे दर्शन करने के बाद आपको शांत सारे दर्शन करने के बाद आपको आना होगा शाम को हर की पैड़ी, क्योंकि गंगा जी की आरती आप अभी नहीं किए हैं। ये आपको पूरे दिन का मैंने शेड्यूल बता दिया है, एक दिन में आप आराम से कर सकते हैं अगर आप सुबह जल्दी से निकले। अगर सुबह जल्दी से नहीं निकलेंगे तो आपको ये दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लगभग 5-6 बजे गंगा जी में डुबकी लगा लीजिएगा, 6 बजे से ही आप चढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा मनसा देवी का, या फिर चंडी देवी चले जाइएगा,
दोनों जगह का आप जाएंगे तो पूरे दिन में आप सारे जगह का दर्शन आप आराम से कर सकते हैं। बजट की बात कहें तो बजट काफ़ी कम लगने वाला है। जहाँ से भी आप आएंगे, अगर आप 1000 रुपये 2000-1200 में यहाँ पे रूम मिल जाएंगे। अगर आप 4-5 लोग हैं तो 1200 में अच्छे रूम मिल जाएंगे। आप कहाँ मिलेंगे अच्छे रूम, हमने वीडियो भी बना रखा है, वो आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं, और तो आप वहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। हर की पैड़ी के पास स्टे करें या फिर हर की पैड़ी से दूर करेंगे। अगर सस्ते जितने सस्ते होटल चाहिए उतने ही आपको हर की पैड़ी से दूर आपको जाने पड़ेंगे। तो जितना दूर जाएंगे उतना आपको सस्ते होटल मिलेंगे, आराम से आप वहाँ पे रूम ले सकते हैं। तो रूम के अगर हम बात कहें, 1000 रुपये रूम वन डे का अगर आप स्टे करते हैं, हम वन डे का ही लेके चल रहे हैं। और खाने पीने का आपको 50 रुपये थाली से स्टार्ट हो जाता है। तो 50 रुपये थाली की बात अगर कहें तो हम 70 रुपये लेके चलते हैं, तो 70 रुपये थाली का हो गया। और 3 टाइम 4 टाइम खाने का हम 500 रुपये लेके चलते हैं। और अगर बात कहें ट्रांसपोर्ट का, तो ट्रांसपोर्ट का 500 रुपये, जो 500 के जगह हम 700 रुपये लेके चलते हैं ट्रांसपोर्ट का, जो कि आपको एक बुकिंग करके चलनी है। बार बार टेम्पो लेंगे तो आपको महंगे भी पड़ेंगे और थोड़ा परेशान भी हो जाएंगे आप। तो एक ही जगह अगर टेम्पो लेंगे तो हर एक गली मोहल्ले सारे जगह आपको लेते हुए चलेंगे, आपको चलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है आप उतरे गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद टेम्पो बुकिंग करके आप सारे जगह मैंने जो बताया है आप जाके घूम सकते हैं। और एक दिन की ये यात्रा होती है, काफ़ी अच्छा आपको लगने वाला है। और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो आप लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर करें हरर गंगे हरर महादेव का। अब हम आपको बता दें कि यहाँ पे आने का सबसे अच्छा मौसम कौन सा है। ऐसे तो आप जनवरी फरवरी में आएंगे, थोड़ा ठंडा होगा, जनवरी में थोड़ा ठंडा होता है, फरवरी के महीने सबसे अच्छा होता है, फरवरी मार्च का महीने सबसे अच्छा होता है। और इसी मार्च महीने में ही महाशिवरात्रि पड़ता है, तो महाशिवरात्रि के 4 दिन पहले बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होता है महाशिवरात्रि के 4 दिन पहले। और सावन के महीने में थोड़ा से बारिश की वजह से थोड़ा दिक्कत होता है। ऐसे तो यात्रा 12 महीने चलते रहता है, किसी पारे कोई दिक्कत नहीं होता। और जून के महीने में थोड़ा ज़्यादा गर्मी होता है। तो इस तरह का दृश्य देखने को मिलता है हरिद्वार की इस पवित्र यात्रा में। बाकी आप किसी पारे कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी गर्मी होती है जिसे आप सह सकते हैं, बरसात को भी सह सकते हैं और ठंडी को भी। तो 12 महीना आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो में 12 महीने का वीडियो मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से भी आप देख के प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ठंडी होता है वो जनवरी और दिसंबर के महीने में होता है, और सबसे ज़्यादा बरसात होता है वो आप जानते हैं कौन से महीने में होता है, अगस्त के महीने में बरसात अगर कहें तो सबसे ज़्यादा होता है अगस्त सितंबर में। और सबसे ज़्यादा गर्मी तो जानते ही हैं जून में होता है। तो 3 महीने को छोड़ के अगर आप आए, अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप आराम से आ सकते हैं। बाकी हमने सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दिया है। अगर किसी प्रकार की कोई भी आपको समस्या हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हरर गंगे हरर महादेव।